कैम्ब्रिज से कैपिटल नॉम पेन चली गई, तभी पूरा एरिया अबैंडन हो गया, पूरा रीसो। तो भाई ये कह रहा है कि ये है सेंटर अंकुरवत का। This is your boy Paras and welcome back to my channel guys and another vlog guys। आ गए भाई नए vlog के साथ। तो आज हम भाई विजिट करने जा रहे हैं अंकुरवत टेम्पल। और होटल से हम यहाँ कैसे आए भाई, हमने और हमने भाई एक ड्राइवर हायर करा था जो हमको ले आया यहाँ तक, और उसने मतलब $12 में डील हो गई थी हमारी, $12 US। और वहाँ से यहाँ लेके और जितने भी टेम्पल हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर प्लान होता है 3 दिन का। तो मैंने तो एक दिन का प्लान लिया है, $37 का पड़ा है मुझे प्लान। अगर आप 3 दिन का लेते हो तो $62 का पड़ता है प्लान, बट मैंने सिर्फ एक दिन का प्लान लिया है। और हमने एक गाइड भी हायर करा है जो कि $10 में हमने हायर करा है 1 घंटे के लिए। ये पूरी नॉलेज देगा हमको, बताएगा टेम्पल के बारे में, जो आसपास के टेम्पल है हिस्ट्री बताएगा टेम्पल की, और आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। चलते हैं भाई आपको लेकर अंकुरवत टेम्पल। Replaced by Buddhism. What did they do? They put the statue of Buddha inside the temple and they pray. So Angkor Wat had been using as Buddhism many centuries. Buddhism using, huh? But now the now no more using, because temple become tourist place to see to pray. Pray be changed to the new one again. We call the Pagoda. जो हमने गाइड हायर करा है उसको बहुत नॉलेज है और काफी चीजें बताई उसने यहाँ पर। मतलब रिलेटेड टू ये वाले टेम्पल, ये विष्णु जी का टेम्पल था, उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुआ था बुद्धिस्ट टेम्पल में। और आप अगर कभी भी यहाँ पर आते हो तो आप गाइड हायर कर सकते हो जो आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाएगा कि कैसे ये टेम्पल बना और कब ये बना, कितना लंबा है ये टेम्पल और कितना चौड़ा है। और यहाँ से भाई 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा हमको मेन टेम्पल में। और इसको बोलते हैं विष्णु हेवन, मतलब इनकी लैंग्वेज में अंकुरवत। अंकुर का मतलब होता है सिटी, वत का मतलब होता है टेम्पल। तो काफ़ी चीज़ें भाई गाइड ने बताई हमको, और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत नॉलेजबल चीज़ें हैं और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और एक और दिक्कत पड़ गई यहाँ पर वीडियो में दिखाता हूँ भाई, कैमरा अलाउड नहीं है, ड्रोन अलाउड नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये भी नहीं अलाउड भाई, मेरा छोटा कैमरा भी नहीं अलाउड। एनीवे फ़ोन है हमारे पास, तो अब जो नेक्स्ट शूटिंग करेंगे वो फ़ोन में करेंगे और आपको फ़ोन में ही माहौल दिखाएंगे। बट ये तो अलाउड होना चाहिए यार, ड्रोन का मैं मान सकता हूँ बट एटलीस्ट यार कैमरा तो अलाउड होना चाहिए। एनीवे चलो करते हैं भाई, फ़ोन में दिखाते हैं। When they serve to God, they have holy dancing. So represent the dancer, queen of the king, and concubine. The dancer. So the special women who perform, queen or concubine. But now this dancing still exists. Public can see, but in due day, dance for God, dance for king. Public can see at the hotel, the restaurant. Okay. But any women can dance, but they train how to perform. But you have to pay for dancing, pay for food. The buffet. So if you want to see how they perform now. मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले मतलब लोग चोरी कर लेते थे, मतलब चोरी ऐसे कि इनके आम वगैरह उतार के ले जाते थे लोग, बट सिर्फ यही मूर्ति है जिसके अभी सब कुछ मतलब है। और इसके साथ ही एक मूर्ति थी जो लक्ष्मी जी की मूर्ति मानते हैं। ये अंकुरवत टेम्पल जो अंदर का जो हम फोटोज़ में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तो भाई फाइनली वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये वाला मतलब ब्रिज है जो सीधा जाता है अंदर को, और ये टोटल मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 किलोमीटर है।
जो भाई इसका पहला नाम है, जो ये अंकुरवत का जो पहला नाम है विष्णु परम लोक। तो पहले हिंदू टेंपल ही था और उसके बाद 1600 सेंचुरी में इसके पास ही बिल्कुल एक टेंपल है जो कि बुद्धा टेंपल है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म हो गया था बुद्धिस्ट टेंपल में। और भाई यहाँ पर काफ़ी टेंपल्स हैं जो हम मतलब कि विजिट कर सकते हैं, 3 दिन लग जाते हैं उसको पूरा विजिट करते हुए। और आज के दिन शायद हम करेंगे सिर्फ 2 से 3 टेंपल विजिट, उसमें एक अंकुरवत है और उसके बाद एक और टेंपल है उसका मैं नाम डाल दूंगा और इसका मैप भी डाल दूंगा भाई, और पूरा मार्क करके ना मैप डाल दूंगा कि इतना बड़ा ये एरिया है। और अंकुरवत सिटी जो नेक्स्ट टेंपल है वो एक अंकुरवत सिटी के नाम से टेंपल है, उधर जाएंगे हम और आपको वो भी दिखाएंगे। उसके अंदर एक टेंपल है और उसके बाद एक और टेंपल है जो मैंने मार्क करे हैं, जो खुद मैंने 3 मार्क करे थे, 3 टेंपल देखूंगा आज। रूट मैंने समझा दिया था अपने टैक्सी वाले को और वो लेके जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो कि तैयारी चल रही है न्यू ईयर की यहाँ के, तो यहाँ पर जो न्यू ईयर की तैयारी चल रही है भाई, यहाँ पर भी सोंकरान मनाते हैं। और आपको मैं बता दूं जैसे थाईलैंड के अंदर न्यू ईयर मनाते हैं सोंकरान, कंबोडिया के अंदर भी मनाते हैं और लाओस के अंदर भी मनाते हैं। और अभी गाइड ही बता रहा था कि यहाँ पर एक हिसाब का सोंकरान ही मनाते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रिक्स दिख रही हैं आपको, इनके ऊपर जो डिज़ाइन है भाई, ये सबसे पहले इन्होंने ड्रॉ करे थे, मतलब काफ़ी टाइम पहले ये ड्रॉ ये कैसे बनाते थे, ये डिज़ाइन ड्रॉ करके उसको खोदते थे तो फिर ये डिज़ाइन बनता था। ये भी तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे तो जो हिस्ट्री है भाई बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने वाली हैं। 12वीं सेंचुरी की हिस्ट्री सुन के भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कभी भी आओ तो यार गाइड ज़रूर हायर करना, क्योंकि गाइड के बिना आप वो चीज़ें जान नहीं पाओगे जो आपको मतलब मज़ा आएगा सुनने में, क्या क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। और एक एक डिटेल में चीज़ बताते हैं ये लोग कि एक एक चीज़ मतलब यहाँ से क्या था, कैसे टेंपल बना और कैसे ये कलाकारी करी इन्होंने, और कितने राजा चेंज हुए और कितने जनरेशन चेंज हुई यहाँ ये वाला टेंपल बनाने में, और इस टेंपल को बनाने में पता नहीं कितने साल लग गए थे, सब कुछ आपको वो बताते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, चलते हैं अगर आगे का माहौल दिखाते हैं आपको। तो भाई ये कह रहा है कि ये है सेंटर अंकुरवत का, जो अंकुरवत है उसका सेंटर है, हम वहाँ से चल के आए हैं 700 मीटर यहाँ तक, और 700 मीटर इसके पीछे है सेंटर ऑफ रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, रिप्रेजेंट यू नो ओके, एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स देयर आर 4 पूल्स, व्हिच 2 पूल्स आर 1, 2, 3, 4 पूल्स, यू नो यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ प्लीज इफ प्यूरीफाई ऑफ द Holy water. Life flow of element, which is water, wind, earth and fire. Yes. And then please. तो भाई सेंटर में खड़े हो गए हम बिल्कुल, ये देखो। विष्णु को डेडिकेटेड है टेंपल, ओके, बट शिवा जो है वो हमेशा सेंटर में रहेगा और विष्णु और ब्रह्मा साइड में रहेंगे, ओके। तो आपने शायद, मैं आपको दिखाता हूँ अभी सिनेमेटोग्राफी में, यहाँ जहाँ का जो फ्लैग है ना तो सेम मतलब यहाँ से बना गया है ना फ्लैग, मैं आपको फ्लैग दिखा रहा हूँ, जो इनका फ्लैग है वो ये इससे बना गया है भाई। फ्लैग में आपने देखा होगा टेंपल बने हुए व्हाइट कलर के इनके कंबोडिया के, तो वो यहाँ से मतलब वो व्यू है देख सकते हो। Story I explain you, sorry.
Okay. Explain. I make video. Okay. So the last part of the Angkor Wat, it's not much to tell you. The last part of the Angkor Wat, to see what? To see the main tower. So the main tower is hard for you to see from down here. See, it's hard to see it, huh? Yeah. So yeah. Blocked by the gallery, huh? So the gallery blocked the main tower. So yeah, yeah. When you reach to the last part, you can see the main tower. You understand what I mean, huh? And you can look down floor by window. See the window? You can look down floors. But it's hard to look out because the tree still surrounding. See, tree still. Except the front. You go to the front, French, they remove the tree. So the front, you can look all the way out, but you cannot look out east, you cannot look out north, you cannot look out south. You can look only one this reason. You go to the front, they remove tree. You go to the front, they want the people to see from the outside. You know, so you can, this is only direction you can look out, huh? See main tower. Main tower 65 meters from the ground level. So from ground level to the top. Bhai, I'm lucky bhi hain. Aaj weather bhi sahi hai, itni dhoop nahi hai. Aur waise to main jacket le aaya tha tanning se bachne ke liye. Aur मतलब जो गाइड था हमारा, उसने बहुत बढ़िया हमको गाइड करा और बताया। पाजी क्या कह रहा था वो कि कितने किंग थे, क्या सिस्टम था? 20 किंग ने मिलके बनाया शायद, मतलब ये वाला जनरेशन, 20 जनरेशन शायद, 20 जनरेशन ने बनके, मतलब मिलके ये टेंपल बनाया, बट ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ क्रेविंग्स हैं जो कि कार्विंग्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि हाँ हाँ। एक किंग की कुछ डिजाइन होती थी, फिर नया किंग आ जाता था, okay. वो अपनी डिजाइन लगाता था, तो उसकी रह जाती थी। बाकी तो अबेंडन हो गया था ये, मतलब उसके बाद वार हो गई थी हिंदू से में एंड बुद्धिज्म में ना। हाँ, फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट जो सारे हिंदू आइडल्स थे उसको बुद्धा से रिप्लेस कर दिया। okay. फिर इवेंचुअली जब सीएम रीप से कैपिटल नॉम पेन चली गई, तभी पूरा एरिया अबेंडन हो गया, पूरा रिस्टोर किया है। तो जो फ्रेंच ने जो रिस्टोर किया था, तो एक ही मंदिर है जो बरगद वाला मंदिर है ना, हाँ जी हाँ जी, वही मंदिर उन्होंने एक्चुअल हालत में रखा था दिखाने के लिए कि कैसी हालत हो गई थी। अच्छा, बाकी सारे रिस्टोर्ड है, बस वो है कि मतलब जब उनको मिला, जब उन्होंने डिस्कवर किया वापस से, हाँ, तब कैसी हालत थी वो रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी भाई वॉशरूम ढूंढ रहे हैं हम, वॉशरूम मिल जाए और उसके बाद वापस जाना है। हमने लास्ट अभी देखा नहीं अंदर, तो मैंने कहा वॉशरूम चलते हैं पहले, उसके बाद ही फिर लास्ट जो रह गया है अंदर से शांति से एक्सप्लोर करेंगे। A few moments later. फाइनली हम जा रहे हैं भाई जो ऊपर की प्लेस है। यहाँ पर हैट और छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, छोटी पैंट और हैट वगैरह अलाउड नहीं है। जो लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े डाले हैं वो अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो हम जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। ऊपर से आ गए नीचे भाई, बहुत मज़ा आया अंदर की जो हिस्ट्री जान के। और आपको प्रॉपर डिटेल में तो बता नहीं पाया क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप कभी विज़िट करते हो तो आपको गाइड हायर कर लेना है और यहाँ पर आप सारा जान सकते हो अपना, जो हिस्ट्री थी कैसे बना, कैसे क्या है, कितने किंग चेंज हुए, क्या है क्या नहीं। बहुत मज़ा आया विज़िट करने का। और अभी गर्मी हो गई है तो जैकेट डालनी पड़ गई टैनिंग से बचने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड प्लेस, मतलब कि एक प्लेस को हमको कवर करने में लग गए 2-3 घंटे अराउंड, मतलब दो घंटे लग गए। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड टेंपल, तो उसके बाद मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। ये वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ठोक देना। और भाई हमारे भी साथ में चल रहे हैं गर्मी हो गई है बहुत आया भाई। आई होप कि आपको पसंद आया होगा व्लॉग, और कमेंट ठोक देना भाई ज़बरदस्त से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको टेंपल्स पसंद है। तो इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स का। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये जो टेंपल है भाई, ये भी मतलब हिंदू के रिलेटेड टेंपल ये, और देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है शिवलिंग टाइप। और यहाँ पर बहुत गर्मी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं पूरा पसीने से गिला हो चुका हूँ।